शनिवार की रात, सुहाना मौसम और ब्लॉकबस्टर्स की बरसात। जी हाँ, वक्त है आज की महा मूवी का। मैं हूं मनीष वलीचा और आज हम आपको ले चलेंगे अफगानिस्तान की बंजर जमीन और सुनसान फिजा के दिलचस्प सफर पर। स्टारिंग जॉन इब्राहिम और अरशद वारसी, हमारी आज की महा मूवी है 2006 की यशराज फिल्म्स की एडवेंचर थ्रिलर काबुल एक्सप्रेस। और आज की महा मूवी काबुल एक्सप्रेस आपके साथ देखने के लिए प्लीज वेलकम काबुल एक्सप्रेस के ड्राइवर एंड डायरेक्टर कबीर खान। कबीर, ग्रेट टू हैव यू इन महा मूवी। थैंक्स मनीष। आप और आपके पार्टनर राजन कपूर अफगानिस्तान में, यू शॉट क्वाइट अ फ्यू यू नो वॉर डॉक्यूमेंट्रीज, अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज। काबुल एक्सप्रेस का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? काबुल एक्सप्रेस का आइडिया उन्हीं डॉक्यूमेंट्रीज को बनाते हुए हमारे दिमाग में आया। असल में ऐसी चीज़ें हमारे साथ, अफगानिस्तान एक बहुत ही फैसिनेटिंग कंट्री है और वहाँ हम काफ़ी महीने से शूटिंग कर रहे थे अपनी डॉक्यूमेंट्रीज। तो जो एक्सपीरियंसेस हमें हो रहे थे वाइल्ड शूटिंग द डॉक्यूमेंट्री, वो एक ऐसी कहानी थी कि आई वी जस्ट फेल्ट कि ये कहानी बतानी ज़रूरी है। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्री हम बना रहे थे, साथ साथ नोट्स भी लिख रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस के, और जब वो डॉक्यूमेंट्रीज ख़त्म हुई, देन आई डिसाइडेड कि आई पुट डाउन माय फर्स्ट स्क्रिप्ट एज माय एक्सपीरियंसेस इन अफगानिस्तान। सो इट इज़ ट्रू कि जॉन और अरशद के कैरेक्टर्स आपके और आपके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजन पर बेस्ड हैं। दैट्स व्हाई इट्स सोहेल खान फॉर कबीर खान एंड जय कपूर फॉर राजन कपूर। जी, लूजली बेस्ड ऑन आवर कैरेक्टर्स, आई वोंट से डायरेक्टली मॉडल्ड ऑन आवर कैरेक्टर्स, लेकिन हाँ, जो एक्सपीरियंसेस राजन और मेरे हो रहे थे वही एक्सपीरियंसेस हमने ट्रांसफर करे हैं जॉन और अरशद के कैरेक्टर्स पे। व्हिच मींस दैट कपूर इज फनियर देन द खान। दैट्स व्हाट एवरीबॉडी सेज, वेल आई रियली डोंट नो, बट व्हाट वी डिड इज एक्चुअली हमने शेयर किए कुछ चीज़ें, जैसे जो राजन करता है वो मैंने कुछ जॉन को दे दी, कुछ अरशद को दे दी, कुछ जो मेरी यूनिक हैबिट्स हैं वो मैंने जॉन को दे दी, कुछ अरशद को दे दी। सो वो मिक्स्ड हैं दोनों कैरेक्टर्स। एंड लेट्स टॉक अबाउट कास्टिंग। आई बिलीव कि आपने जॉन और अरशद को बहुत पहले कास्ट किया था, बिफोर जॉन हैड डन धूम 2 एंड बिफोर अरशद हैड डन मुनाफा, इज दैट ट्रू? जी, अरशद तो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, तो जब मैं काबुल एक्सप्रेस लिख रहा था उसी टाइम मैंने अरशद को अपने दिमाग में रख के वो कैरेक्टर लिख रहा था। जॉन भी यशराज के आने से पहले उन्होंने साइन किया, विच इज़ अ बिग थिंग, यू नो, नॉट टू मेनी स्टार्स टू डू दैट। मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर था, आई वॉज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मैं अपनी स्क्रिप्ट ले गया जॉन के पास, उनको मैंने स्क्रिप्ट दी, उन्होंने पढ़ी और उन्होंने कहा कि मुझे ये फिल्म करनी है, जब आपके पास प्रोड्यूसर आएगा तब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो हाँ, जॉन और अरशद मेरे प्रोड्यूसर के आने से पहले ही सेट थे। बट जॉन वाज नॉट योर फर्स्ट चॉइस, आपने सैफ अली खान को भी अप्रोच किया था जॉन के रोल? सैफ को बहुत पहले अप्रोच किया था, जॉन के रोल के लिए नहीं किया था। इट वाज अ डिफरेंट मिक्स, एज आई सेड, मैं क्या करता हूँ, आई यूजली लाइक टू कास्ट एंड देन चेंज द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू माई एक्टर। हो सकता है मेरा डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड की वजह से मैं चाहता हूँ कि उनकी जो एक्चुअल रियल लाइफ पर्सनैलिटी है उसको मैं जितना इन्वॉल्व कर सकता हूँ कैरेक्टर में वो बेहतर है। तो इसलिए जो सैफ का कैरेक्टर था वो जॉन के कैरेक्टर से बहुत अलग था। जब जॉन ने हाँ कहा तब वो कैरेक्टर पूरा ही बदल गया। ओके, यू हैड द एक्टर्स बट यू नीडेड अ प्रोड्यूसर, हाउ डिड यू गेट यशराज टू प्रोड्यूस योर फिल्म? दैट वॉज क्वाइट एन अमेजिंग डिवेलपमेंट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यशराज इस किस्म की फिल्म में इंटरेस्टेड होंगे, और क्योंकि इसमें जो यूजुअल कन्वेंशनल जो एलिमेंट्स होते हैं कमर्शियल सिनेमा के, नाच गाना या लव स्टोरी, वो सब नहीं थे। और तब तक यशराज की फिल्में उसी किस्म की थी, अब नहीं, अब तो खैर चेंज हो गई हैं। लेकिन और दूसरा, आदित्य चोपड़ा बहुत इनएक्सेसिबल हैं, आप मतलब यू कैनॉट रियली अप्रोच आदित्य चोपड़ा। तो मेरे स्क्रिप्ट किसी और मेरे दोस्त ने आदित्य चोपड़ा को दी और उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी एंड ही कॉल्ड मी, एंड ही सेड दैट आई रियली लाइक योर स्क्रिप्ट एंड आई वांट टू डू इट जस्ट द वे इट इज ऑन पेपर एंड स्टार्ट, एंड आफ्टर दैट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हाट कपल ऑफ मंथ्स वी वर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को लेकर वाज एनी अप्रिहेंशन पीपल से कि हम अफगानिस्तान में शूट नहीं करेंगे? अप्रेशन बहुत थे। जब मैं लिख रहा था तो लोग मुझसे पूछते थे, अच्छा आपकी पहली फिल्म अफगानिस्तान में, पागल आदमी है, एक तो पहली फिल्म उसके ऊपर से अफगानिस्तान, कौन जाएगा शूट करने? लेकिन काबुल एक्सप्रेस ऐसी फिल्म थी कि अगर मैं अफगानिस्तान में शूट नहीं करता तो वो फिल्म बन नहीं सकती थी। वो फिल्म सिर्फ अफगानिस्तान में बन सकती है क्योंकि अफगानिस्तान एक लोकेशन नहीं है उस फिल्म में, इट्स ऑलमोस्ट अ कैरेक्टर इन द फिल्म। तो जब मैंने अरशद से बात करी, जब मैंने जॉन से बात करी, मैंने उनको बोला क्लियरली कि देखो ये अफगानिस्तान में शूट करेंगे हम, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट शूटिंग इन अफगानिस्तान क्योंकि मैं बहुत अरसे से वहाँ शूट करता आ रहा हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्रीज। मेरे आज बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है दोस्तों का जो हमें मदद करेंगे, और ये फिल्म आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी ये और कहीं शूट हो नहीं सकती।
कबीर खान स्टिल विद अस की फिल्म के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें और भी हैं जो हम फिल्म के दौरान करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज की महामूवी काबुल एक्सप्रेस सिर्फ मैक्स पर। उसकशी के सीन के बारे में बात करते हैं, दैट स्टैम्पीड सीन वेयर जॉन एंड अरशद ऑलमोस्ट गॉट कॉट इन, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू शूट दैट? उसकशी का सीन वैसे भी लॉजिस्टिक्स के हिसाब से बहुत मुश्किल था, क्योंकि 2-3 हज़ार का क्राउड, कुछ 25-30 घोड़े, और ये कुछ आम घोड़े नहीं है, ये पुष्कश हैं, ये इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो वो घुड़सवार हैं वो पुष्कश हैं, और ये बहुत कम लोग हैं, दीज आर लाइक द एलीट पैराट्रूपर्स ऑफ अफगान फोर्सेस। तो एक तो उसको माउंट करना काबुल में, उसके लिए बहुत टाइम लगा, उसके ऊपर डेथ थ्रेट्स आ चुके थे। अब डेथ थ्रेट्स आ चुके हैं, हमें मालूम है 5-6 टेररिस्ट काबुल में हैं कमिंग टू किट एट अस, और फिर 3,000 का क्राउड सीन है, 3,000 लोगों को आप कैसे फिल्टर करेंगे, कैसे स्क्रीन करेंगे, वो बहुत टेंस दिन थे उसके शीश। I believe there were death threats as well, your main actors, उनकी जान लेने की धमकियां आपको तालिबान से मिली थी। That was, जी, उस दौरान तो काफी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि देखिए अभी आजकल जो हम तालिबान के रिसर्जेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रेंजली हमारी शूटिंग के साथ कोइंसाइड हुआ। जब हम सितंबर अक्टूबर 2005 में पहुंचे शूटिंग करने के लिए, तो पहले सुसाइड बॉम्बिंग्स तालिबान की हमारे सामने हुई, एक तो बिल्कुल हमारे कॉन्वॉय के पहुंचने से 5 मिनट पहले हुई, और हम पूरी रात वहाँ मतलब उस रोड पर रुक गए थे, तो उसकी वजह से माहौल बहुत बिगड़ गया था। और जब तालिबान को पता चला कि ये शूटिंग चल रही है और हिंदुस्तानी फिल्म है, और अगर हिंदुस्तानी फिल्म एक अफगानिस्तान में शूट हो सकती है, तो ये एक साइन है कि अफगानिस्तान ठीक हो रहा है, और ये दिस इज़ नॉट द साइन दैट तालिबान वॉन्ट्स टू बी सेंट आउट टू द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है कुछ 15-20 दिन में डेथ थ्रेट्स आने लगे। जॉन और अरशद के साथ कुछ याद है आपको बातें, वे दे सेड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट कभी? ऑब्वियसली सब डर गए थे, लेकिन आई'd लाइक टू से दिस फिल्म वुडंट हैव बीन पॉसिबल इफ जॉन एंड अरशद हैड नॉट स्टूड बाय मी। आई डोंट थिंक देयर आर टू मेनी एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री हु वुड हैव स्टूड बाय एंड कंप्लीटेड द फिल्म इन अफगानिस्तान आफ्टर दोस डेथ थ्रेट्स। क्राउड सीन्स आपने काफी लोकल्स को यूज किया, बिकॉज़ यू डिडंट हैव टू मेनी एक्टर्स। सारे जितने एक्टर्स हैं मेरे अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल का, सब अफगान एक्टर्स हमने इस्तेमाल करे, और आई टुक अ पेज आउट ऑफ सिद्दीक बरमाक्स बुक, बेसिकली आई यूज्ड ऑल नॉन एक्टर्स। एक तो एक्टर्स कम है क्योंकि पूरा फिल्म इंडस्ट्री बैन हो गई थी, सब चले गए थे, तो बहुत सारे हमने इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से, हमने बहुत सारे असली मुजाहिदीन, जो मुजाहिदीन मतलब होली वॉरियर्स जो अपने आप को बुलाते, ये दीज आर पीपल हु फाइटिंग द रशियंस, तो हमने बहुत सारे असली मुजाहिदीन इस्तेमाल करे सीन्स में। और एक मुजाहिदीन एक सीन में हम इस्तेमाल कर रहे थे जहाँ पे वो हाईवे रॉबर्स थे, तो वो बेचारा आ गया अपना खड़ा हुआ, फिर उसको किसी ने बताया कि तुम इस फिल्म में चोर हो, तो वो बहुत गुस्से में आया, मैं तो मुजाहिदीन हूँ, मैं अहमद शाह मसूद का मुजाहिदीन हूँ, मैं चोर नहीं हो सकता। वो हमारे जो अफगान प्रोडक्शन कंट्रोलर हैं अजीम साहब, उनके पास आया और कहता है मैं क्या चोर हूँ इस फिल्म में? तो अजीम साहब ने झूठ मूठ बोल के उसको बोला कि नहीं तुम ऐसे हो, ये हो, तुम कर लो सीन। जब सीन ख़त्म हुआ तो वो अजीम साहब के पास आया शाम को और बोला कि जब ये फिल्म तैयार होगी तब मैं देखूंगा, और अगर मैं चोर हूं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सब इस किस्म की चीजें बहुत होती थी। तो अफगानी कैरेक्टर आपके फिल्म में हमखम जी, आई बिलीव ही हैड बीन थ्रू द एक्सपीरियंसेस दैट इज डिपिक्टेड इन द फिल्म। जी, हनीफ हमखम के साथ तो ऐसा हुआ कि जब हम उनसे मिले, उनसे बातचीत करने लगे, और वो जब हमें अपना तजुर्बा बताने लगे, अचानक मेरे को मैं महसूस हुआ कि जो मेरा कैरेक्टर है खैबर, ही इज़ अ लिविंग खैबर। तो क्या क्या तजुर्बा? देखिए मेरा जो कैरेक्टर है खैबर, वो ये पूरे जो जंग जो 25 साल से अफगानिस्तान में चल रही है, उस जंग के दौरान रह चुका है अफगानिस्तान में, और तालिबान के हाथों ही हैज़ बीन अ विक्टिम। और ये खैबर जो हैं, जो हनीफ हमगम जो हैं, इनका इनकी कहानी भी बिल्कुल वही है। ये जंग के दौरान अफगानिस्तान में थे, फिर जब तालिबान आया तो इनको पकड़ा गया, क्योंकि ये एक्टर थे और तालिबान ने एक्टिंग बैन कर रखा था, फिल्म्स बैन कर रखे थे, इनको जेल में डाला गया, इनको टॉर्चर किया गया, इनको इंटरोगेट किया गया, फाइनली इन्होंने अपना घर बेचा, उस घर से उन्होंने बहुत सारे AK-47s खरीद के तालिबान को ब्राइब किया और फिर इनको जाने दिया, और ये फिर भागे ईरान, जहाँ पर 3-4 साल ईरान की फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने काम किया। फाइनली जब तालिबान की हुकूमत गिरी तब ये वापस अफगानिस्तान। कबीर, आपके सेट पे आपकी यूनिट में सारे आदमी थे, सिर्फ एक ही वुमन थी, लिंडा दी अमेरिकन,
how difficult was it for her? Aurton ke liye it is very difficult to operate in Kabul, lekin she took everything in her stride. लेकिन कभी कभी embarrassing moments होते थे. Like what? अब देखिए जैसे पूरी फिल्म मैंने आपको बताया आउटडोर्स है, पहाड़ों में शूट कर रहे हैं. अब काबुल में वैनिटी मैन तो होते नहीं थे, आप अपने जब शॉट दिया और वैनिटी मैन में चले गए, वहीं पत्थरों पे बैठे रहिए. एंड व्हेन यू नीड टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर, तो आदमियों को तो बोल रखा था भैया पत्थरों के पीछे जाओ एंड डू योर जॉब एज लॉन्ग एज यू डोंट क्रॉस द रेड रॉक्स व्हिच सिग्निफाई लैंडमाइंस. लिंडा के लिए और एक हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर अमरदीप थी, उन दोनों के लिए एक टेंट लगाया जाता था which was the loot tent. लेकिन just for the two of them. Just for the two of them. लेकिन वो पूरे बीच मैदान के बीच में वो टेंट रहता था, बहुत conspicuous था. So it used to be very embarrassing for either Linda or Amardeep to make the trek to that loot with sort of 70 you know men watching them and sort of then imagining all sorts of things. वो भी बेचारे पत्थरों के पीछे जा रहे थे. वो guns, बंदूकें, rocket launchers, ammunition सब real थे. जी जी, काबुल एक्सप्रेस में जो सारे गन्स हमने इस्तेमाल करी वो सब रियल थी, क्योंकि हम ले गए थे यहाँ से गन्स. लेकिन जब वो रियल गन्स के यू नो व्हेन यू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर लगता है कि यार बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है. और इट्स अ रियलिस्टिक फिल्म, इट्स रियलिस्टिक सेटिंग्स, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, तो वो बिल्कुल टॉय गन्स लेके हाथ में घूमने में मजा नहीं आया. तो इसलिए अल्टीमेटली वी एंडेड अप यूजिंग ऑल रियल आर्म्स एंड एमुनिशन. बट समटाइम्स बॉयज विद टॉयज हैव फन, सिड एंड जॉन एंड अर्शद हैव अ लॉट ऑफ फन विद दोस. जी, आई थिंक वी ऑल क्रू में सबने कम से कम एक बार ही तो एक कलाश्निकोव चलाई, क्योंकि सबका एक था कि हाँ एक बार ही तो चलानी. तो ये थी आशी महा मूवी काबुल एक्सप्रेस. कबीर, फिर से अपनी फिल्म ऑडियंसेस के साथ लेकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है एक फिल्म मेकर के लिए, और स्पेशली फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए टू बी एबल टू शेयर हिज फिल्म विद द ऑडियंस इज अ ग्रेट फीलिंग. और मैं बहुत खुश हूँ ऑडियंस के रिएक्शन से इस फिल्म के बारे में. जब मैं फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं अलग अलग थिएटर्स जाता था और लोगों का रिएक्शन देखता था. एंड हाउ मेनी पीपल हैव टोल्ड यू दैट अर्शद वारसी हैज आउटशॉन एवरीबॉडी एल्स इन द मूवी? Lot of people, because Arshad has done a brilliant job. Arshad's character, of course, you see the thing is also when you have funny lines, then you sort of connect very well with the audience. So that advantage was always there for Arshad. He's a brilliantly talented actor anyway. But I'm sure that John insists that next time he gets the funny lines. No, you know, not really, because John in fact used to sometimes pass on his funny lines to Arshad, because he used to say, no, Arshad probably will do it better. I think each stood their ground in the characters. I'm very happy with what Salman Shahid did as Imran, because really I think that is the most important character in the film. I'm ecstatic about the way Hamgam, Haneef Hamgam ने जो किरदार निभाया है खैबर का, जो एक pain है एक अफगान आदमी का at the destruction of his country, yet the hospitality he is showing to the Indians, वो एक पूरा एक जो जो contradictions हैं उनमें, लेकिन वो उन्होंने बहुत beautifully इसको portray किया. Have you had a premiere in Afghanistan yet? अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रीमियर करने के लिए. एक शो तो कर लो अपने लोकल्स के लिए. लेकिन वहाँ पे हाँ हमने आई थिंक द बिफोर वी कुड सेंड देम अ प्रिंट सबने देख ली थी, क्योंकि पायरेसी बहुत रैम्पेंट है वहाँ पाकिस्तान से, दो दिन में पहुँच जाती है प्रिंट. तो एवरीबडी इन अफगानिस्तान हैज सीन काबुल एक्सप्रेस एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज उनको लगता है कि वो एक पार्ट थे उस पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में. और जाहिर सी बात है कि अगर अफगान लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया होता तो ये काबुल एक्सप्रेस कभी नहीं बन पाती. Well, we thank you for making a film like this because we've all enjoyed it. Thank he's so still much. Alive and he's signed a 3-film deal with Yash Raj. We wish you all the best for all your future films as thank well. Thank you. Thanks, Kabir Khan. तो ये थे कबीर खान. आपसे फिर मुलाकात होगी जब हम लेकर आएंगे एक और महा मूवी जो आप देखेंगे आपके फेवरेट स्टार्स के साथ.